हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे लास्ट वीडियो में कि अगला वीडियो में बिशप और एंडिंग में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं रॉन्ग बिशप, और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि रॉन्ग बिशप क्या है। जैसे कि रूक पॉन अगर आपके पास है और आपके पास बिशप भी है, लेकिन जी स्क्वायर में क्वीन बन रही है उसके अपोजिट कलर का बिशप अगर आपके पास होता है तो मोस्टली ड्रॉ होता है। मोस्टली ड्रॉ, ऑलवेज ड्रॉ मैं नहीं बोलता हूं दोस्तों, एक्सेप्शन होते हैं कोई पोजीशन में। तो यहां पे ब्लैक टू प्ले है तो सिंपल किंग G7 G8 देन गेम विल बी ड्रॉ आफ्टर H7 किंग H8 और आपका किंग जैसे यहां पे आता है तो स्टेलमेट होती है, इसीलिए ये पोजीशन ड्रॉ है। यहां अगर हम व्हाइट टू प्ले देख लेते हैं, सपोज हम ब्लैक के बजाय व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट कितनी भी कोशिश करेगा जैसे कि बिशप H7 तो भी व्हाइट जीत नहीं पाएगा, भले ही किंग को कट ऑफ किया है किंग F7। उसके बाद व्हाइट ने अगर किंग D3 किया, किंग F6, और अगर व्हाइट ने बिशप सेक्रीफाइस देने का चांस लिया तो किंग F7 ब्लैक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पॉन को भी पकड़ना है। उसके बाद अगर आपने पॉन मूव कर दिया तो किंग G7 आ जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा, और अगर आपने जैसे कि बिशप H7 किया तो वापस से सेम पोजीशन किंग F6। तो ये रिपीटेशन ड्रॉ होता है। एक पोजीशन है दोस्तों जहां पे वाइट कैन विन, अगर ये किंग C2 के बजाय सपोज हम एक स्टेप D2 पे रख लेते हैं, किंग D2 में यहां पे वाइट कैन विन दिस गेम क्योंकि बर्गर स्क्वायर का रूल भी यहां लागू होता है। तो किंग D2 अगर होता है पहले से तो व्हाइट खेलेगा बिशप H7 किंग F7 और उसके बाद किंग E3 देन किंग F6 और किंग F4। व्हाइट अपने इस पॉन को कैच कर लेगा, सपोर्ट कर लेगा आफ्टर किंग F7 किंग G5 और फिर यहां से व्हाइट कैन इजीली विन आफ्टर किंग F6 देन बिशप सैक्रिफाइस एंड H7 एंड विनिंग द गेम। तो एक पोजीशन में ड्रॉ होती है और किंग के एक स्टेप नजदीक होने से पूरी गेम विन हो जाती है। दूसरी पोजीशन देखते हैं, बिशप वर्सेस रॉन्ग पॉन। दोस्तों एंड गेम के सारे वीडियो आप देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं लगातार एंड गेम के बारे में अभी वीडियो बना रहा हूँ, लगातार एंड गेम के बारे में। अब यहां पे आप देख सकते हो कि रूक पॉन है दोनों के पास और इस पोजीशन में सॉरी ये पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब एंड गेम की स्टार्टिंग पोजीशन। यहां पे व्हाइट टू प्ले, व्हाइट बिशप D6 खेलेगा क्योंकि व्हाइट चाहता है कि किंग कॉर्नर में नहीं जाए। सबसे पहले भले ही उसके पास रूक पॉन है और रॉन्ग बिशप है, फिर भी व्हाइट जीतने का ट्राई कर रहा है कि किंग को कॉर्नर में नहीं जाने देना है। अगर ये गेम में हम एनालिसिस करते हैं तो ब्लैक किंग D8 खेलता है, व्हाइट किंग B7 और ब्लैक किंग D7। अब बिशप पे अटैक और यहाँ पे बिशप C7 पूरा कंट्रोल किया हुआ है व्हाइट ने, किंग E6 किंग C6 उसके बाद किंग E7 किंग बिशप B6 सॉरी उसके बाद किंग E6 बिशप C5 पूरी लाइन कंट्रोल, किंग E5 बिशप F8 किंग E6। दोस्तों ये मूव नंबर हुई 7th। इसके बाद में हम एक और डिस्कस करेंगे कि अगर किंग E6 जाता है तो यहाँ पे गेम ड्रॉ हो रही है, लेकिन किंग D4 जाएगा तो ब्लैक विल लॉस द गेम। तो किंग E6 खिलाते हैं हम अभी। किंग E6 में वाइट ट्राई करेगा बिशप C5 किंग E5 बिशप F8 किंग E6 बिशप D6 किंग F7 किंग D7 किंग F6
बिशप एच टू, किंग एफ सेवन, बिशप ई फाइव, किंग जी सिक्स, किंग ई सिक्स, किंग जी फाइव, बिशप बी टू, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है दोस्तों इस गेम में। और किंग जी सिक्स, ये एक खेली हुई गेम है जिसमें गेम एंड तक खेली और गेम ड्रॉ हो गई। किंग जी सिक्स, और यहाँ पे बिशप एफ सिक्स, किंग एच सिक्स, किंग एफ सेवन, किंग एच सेवन, बिशप ई फाइव, किंग एच सिक्स, बिशप जी सेवन, किंग एच सेवन, और ये गेम का कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या होता है अगर सेवंथ मूव जब हमने काउंट किए, मैंने आपको बताया था कि सेवंथ मूव में ब्लैक एक मिस्टेक कर देता है तो गेम लॉस होती है। वो मिस्टेक हम देख लेते हैं। इसी पोजीशन में सबसे पहले बिशप डी सिक्स, फर्स्ट मूव किंग डी एट, किंग बी सेवन, किंग डी सेवन, दिस इज सेकंड मूव, बिशप सी सेवन, किंग ई सिक्स थर्ड मूव, किंग सी सिक्स, किंग ई सेवन फोर्थ मूव, बिशप बी सिक्स, किंग ई सिक्स फिफ्थ मूव, बिशप सी फाइव, किंग ई फाइव, बिशप एफ एट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट ड्रॉ करने के लिए किंग ई सिक्स जरूरी है। अगर ब्लैक ने यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया किंग डी फोर, तो ये गेम वाइट विन है। अब कैसे विन है यहाँ से हम देखते हैं। किंग डी फोर इंस्टेड ऑफ किंग ई सिक्स, अब वाइट खेलेगा बिशप डी सिक्स। अब किंग को ये पूरा ब्लॉक जो स्क्वायर है बर्गर, उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो बिशप डी सिक्स के बाद ब्लैक किंग ई फोर, किंग बी फाइव, किंग डी फाइव, बिशप एच टू वेटिंग मूव, किंग डी फोर, या फिर समझ लो किंग ई सिक्स गए तो किंग टेक्स ए फोर, किंग डी सेवन, किंग बी फाइव, किंग सी एट, किंग बी फाइव, किंग सी एट, उसके बाद किंग बी सिक्स। अब ये कंट्रोल में है तो किंग डी सेवन, देन ए फोर, और ये अनस्टॉपेबल क्वीन होती है। तो दोस्तों ये थी इंटरेस्टिंग बिशप की एंड गेम। और भी पोजीशन में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों देखते हैं अपोजिट कलर बिशप, मोस्टली ड्रॉ कहते हैं अपोजिट कलर बिशप में, यानी कि एक के पास डार्क स्क्वायर बिशप है, हमारे पास लाइट स्क्वायर बिशप है। भले ही हम दो दो पॉन डाउन है, फिर भी यहाँ गेम ड्रॉ हो सकती है अपोजिट कलर बिशप का रूल। अब ये पोजीशन आप देख रहे हो, यहाँ पे बेस्ट मूव कौन सी होगी ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर आपने जैसे कि ये चार चार कनेक्टेड पोन है, यहाँ पे सबसे बेस्ट मूव सेक्रीफाइस योर पोन फर्स्ट सी फाइव, इस मूव को एक्सक्लेमेशन मार्क देना चाहिए। यहाँ पे बिशप टेक सी फोर, ब्लैक के पास एक ही बेस्ट मूव है बिशप टेक सी फोर। उसके बाद बिशप बी थ्री थ्रेटन दिस पोन, पॉन को सब मतलब जो पोजीशन कनेक्टेड पोजीशन है उसमें से हम डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बिशप बी थ्री का रिप्लाई फोर्स मूव है, यहाँ पे ई फाइव,
उसके बाद बिशप e6 पूरा डायगोनल कंट्रोल कर लेता। डायगोनल कंट्रोल नहीं करोगे तो यहाँ पे ये पॉन मूव हो जाएगा और फिर ब्लैक के फेवर में शायद गेम आ जाती है। तो यहाँ पे पहले हम बिशप e6 कर देंगे ताकि कोई भी पॉन मूव ना कर सके। आफ्टर किंग c7 किंग e4 और ये फोर्सफुली ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे गेम का कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। लाइक हम खेलते हैं यहाँ पे आगे थोड़ा किंग d6 तो बिशप f5 और लाइट स्क्वायर के किंग को कोई डार्क स्क्वायर वाला बिशप तो हटा ही नहीं पाएगा और किंग कभी किंग पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से ये किंग ने ये जगह पकड़ ली है वाइट स्क्वायर, और ये जो आपका लाइट स्क्वायर बिशप है वो पूरे इसी डायगोनल में, जैसे कि g4 टू c8 डायगोनल में कंट्रोल करता रहेगा। जब भी आप यहाँ भी खेलना चाहो, यहाँ भी खेलना चाहो, कहीं भी खेल सकते हो और ब्लैक के पास कोई प्रोग्रेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस पॉन को सपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे अटैक करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में गेम क्लियरली ड्रॉ है। भले ही ब्लैक दो दो पॉन तीन तीन पॉन प्लस है, लेकिन गेम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। दोस्तों सेम कलर बिशप में ज्यादातर विनिंग आती है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने पॉन प्लस है, अगर एक भी पॉन आपके पास है तो मोस्टली विनिंग आती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बिशप d7 फर्स्ट मूव वाइट खेलेगा, लाइट स्क्वायर बिशप एक्सचेंज के लिए ऑफर है। अगर बिशप टेक्स बिशप तो किंग d7 देन क्लियरली विनिंग एज यू कैन सी। तो बिशप d7 के बाद ब्लैक ट्राई करेगा, बिशप नहीं एक्सचेंज हो तो बिशप d1, उसके बाद बिशप h3 एक वेटिंग मूव। अब यहाँ पे इस पॉन को रोकने के लिए फोर्स मूव है कि बिशप a4 जाए, वरना नेक्स्ट मूव अगर पॉन d7 हो गया फिर अनस्टॉपेबल क्वीन है। तो बिशप a4 फोर्स मूव है और उसके बाद बिशप g2 और यहाँ से ये लाइन ब्लॉक करने का प्लानिंग है। तो बिशप g2 के बाद बिशप c6 नेक्स्ट थ्रेट है बिशप c6, और यहाँ पे ब्लैक अगर किंग d4 खेलता है तो भी सिंपल बिशप c6 और किंग के जगह पे ब्लैक बिशप लाइक यहाँ पे खेलता है तो भी बिशप c6। आफ्टर बिशप f7 सिंपल पॉन पुश एंड क्लियरली विनिंग। एक और पोजीशन आपके सामने वाइट टू प्ले, यहाँ पे विनिंग बिशप b7। तो यहाँ पे बिशप f5 देन वाइट विल प्ले बिशप f3 और यहाँ पे बिशप c8 फोर्स है, वरना b7 की थ्रेट है। बिशप c8 और यहाँ पे नेक्स्ट मूव बिशप a2 और बिशप e2 के बाद अगर ब्लैक ने बिशप खेला तो b7 हो जाएगा, और किंग सपोज कहीं भी खेला तो सिंपल बिशप a6 देन बिशप d7 एंड b7 क्लियरली विनिंग गेम। तो दोस्तों ये थी आज की एंड गेम बिशप एंडिंग। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे बिशप वर्सेस नाइट की एंडिंग, तो इंटरेस्टिंग एंडिंग है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड गेम सीखने को मिलेगी आपको। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ध्यान रहे मेरे हर एक वीडियो हर ऑल्टरनेट दिन आपको मिलते रहेंगे। एंड गेम, मिडल गेम, ओपनिंग और सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए। हो सके तो अपने ग्रुप में चैनल को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को मेरी चैनल बहुत काम में आएगी। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।